हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रल के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन करने से ही आपको जो मेथड है उनके बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। और बाद में जब हम एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल सीखेंगे तो इसका भरपूर यूज़ है वहाँ पर, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आने वाले पार्ट में आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो बोल रहे हैं इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 0 से y/2 y dy/dx। तो देखिए, यहाँ पर मैं फर्स्ट ट्रिक ये बताना चाहता हूँ, जब भी आपका इंटीग्रेशन y के टर्म्स में दिख रहा है, वाई के टर्म्स में दिख रहा है ना, तो ये लिमिट किसकी है? एक्स के लिए है, ठीक। ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। अगर ये एक्स के लिए लिमिट है तो ये किसके लिए लिमिट है? ऑब्वियसली वाई के लिए होगा। तो सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है? इस वाले लिमिट के लिए, क्योंकि ये बात पहले आपको इसको कर दोगे ना तो सोल्यूशन ना नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसके लिए करना है? इसके लिए, डी एक्स के लिए, क्योंकि ये एक्स की लिमिट है। तो डी एक्स के लिए करेंगे तो ये वाई इधर लिख दो, इंटीग्रेशन 1 से 2 वाई, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स, लिमिट लग जाएगी 0 से y/2 और बाहर डी वाई। अब एक्स के प्लस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y/2 ही आ जाएगा, y into y y square, और 1/2 बाहर आ गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे तो y³/3 आ जाएगा। अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 7/6। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इवेल्यूएट द इंटीग्रल x²y³ ओवर द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय दिस x=2 से x=3 और y=2 से y=4। तो इस रीजन में आपका रेक्टेंगल बाउंडेड है, तो उसके लिए इसका हमें डबल इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो एक्स जो आपका लिमिट जा रहा है 2 से 3 जा रहा है और वाई की लिमिट 2 से 4 जा रही है, तो जो आपका फंक्शन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से 3, इंटीग्रेशन एक्स वाई की लिमिट 2 से 4, और ये फंक्शन dx/dy, ठीक। अब आप इसमें कोई से भी रिस्पेक्ट में पहले का आपस में कर सकते हो, क्योंकि लिमिट आपकी बार वेरिएबल में नहीं है, आपकी बार लिमिट नंबर्स में है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसका करते हैं? ये वाई दिख रहा है तो वाई का ही कर दो। तो ये 2 से 3 एक्स की लिमिट है, तो वाई, और ये x² हमने यहाँ रख दिया है, y³ का क्या हो जाएगा? y³/4/4, अब लिमिट क्या लग जाएगी? 2 से 4, तो ये 1/4 बाहर आ गया। 2 से 3, ये x² हमने यहीं रख दिया, फिर यहाँ रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, लिमिट 2 से 3 x²dx, x³/3, 3 से काटेंगे यहाँ 20 आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 380। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से b, x²+y²dx/dy। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, ये चीज़ भी कभी कभी बता देती है कि कौन सी लिमिट किसकी है। dx इधर है तो ये x की लिमिट है, dy इधर है तो ये y की लिमिट है, ठीक। इससे आपको ये भी बताता है। तो इंटीग्रेशन 0 से a, एक्स वाई का करना है, इसका x² तो कांस्टेंट वर्क करेगा तो y आ जाएगा, फिर y² का क्या हो जाएगा? y³/3, लिमिट 0 से b, फिर आप क्या लगाओगे? लिमिट, अपर लिमिट y की जगह पर b, और जब लोअर करेंगे तो सारा सबको 0 बना देगा, तो उसे लिखो ना लिखो एक बात है। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से x²b + b³/3 dx। अब x के सापेक्ष में क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? b x³/3 + b की पावर
बी क्यूब अपॉन 3 और यहाँ से क्या जाएगा x, लिमिट क्या है 0 से a, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि 0 रखने पे तो 0 बना देगा, तो उसे मत लिखो, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटीग्रेशन 2x-4, यानी ये y की लिमिट है वेरिएबल में, तो जब भी वेरिएबल में हो तो उसको पहले किया जाता है, और ये फंक्शन dx dy, तो मुझे किसका पहले करना है dy का, क्योंकि dy का मतलब है y की लिमिट को पहले सॉल्व करो क्योंकि वेरिएबल में है। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 ये 1/x+1 कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, वो बाहर आ गया, 2 y का क्या हो जाएगा y²/2, 1 का क्या हो जाएगा y, और लिमिट क्या है 0 से 2x-4। फिर क्या करें, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे अपर लिमिट रखोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे, है ना, और सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज 4x²-18x+20/x+1, ज़रा सॉल्व कर लेना, और इंटीग्रेशन 0 से 2 है। अब थोड़ा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि देखिए न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, जब भी ज़्यादा हो या फिर सेम हो ऊपर नीचे तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो इतनी बार जा रहा होगा उसको यहाँ लिखते हैं, ये आपका रिमाइंडर बच रहा होगा उसे यहाँ रखते हो, जैसे डिवाइड करते हैं वो अपॉन में आ जाते हैं, ये चीज़ें सीख रखी होंगी आपने क्लास 12th में, ठीक। फिर ये 0 से 2, अब क्या करना है सिंप्लीफिकेशन हो गई है, अब फिर से आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, 4x का हो जाएगा x²/2, यहाँ से 22x, यहाँ पर 42 log x+1, और फिर क्या लिमिट 0 से 2, अब क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि यहाँ सब x x में है और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आप रखो ही मत, सिर्फ 2 वाले से कर दो आंसर आ जाएगा, तो वही मैंने किया है यहाँ पर, देखिए log 1 की वैल्यू तो 0 होती है ना, 0 रखेंगे तो log 1 बचेगा तो 0 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 log 3-36। अब हम क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन y अंडर रूट y, यानी कि फिर से पता लग गया मुझे कि लिमिट x के लिए है, ये x²+y²dy dx, कभी कभी ये भी सजेस्ट कर देता है कि ये y की लिमिट है ये x की लिमिट है, ठीक। इस वेरिएबल ने मुझे बताया कि ये किसकी लिमिट है, ये x के लिए लिमिट है, ठीक है, तो वेरिएबल जब भी दिखे लिमिट उसको पहले सॉल्व किया जाता है, तो मैं क्या करूँगा सॉल्व करूँगा किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो x² का क्या हो जाएगा x³/3, और यहाँ से क्या जाएगा प्लस y² कॉन्स्टेंट वर्क करेगा, तो यहाँ से क्या जाएगा x, लिमिट है y से अंडरूट y dy, अब क्या करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है, ये मैंने रख दिया, रखने के बाद आप सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा सोल्यूशन करना है आपको, ये मिल जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 1 y³/3y²+3y²/5/2-4y³3dy, और ये तो सिंपल से इंटीग्रेशन y^n के रूप में है, आपको पता ही क्या होता है x^(n+1)/(n+1), वो उससे हमने इसे सॉल्व कर दिया है, और लिमिट कहाँ से चले चलते हैं 0 से 1 तक, फिर क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर 3/35 मिल जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।